हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन कोर्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि बेस्ड है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे। तो दैट इज द फार्मर सर्विस सोसाइटीज, FSS। ये आपने नाम सुना होगा और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो फार्मर सर्विस सोसाइटीज क्या होती है, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कितना एरिया ये कवर करती है, कितने फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाती है, सारी चीजें इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब शुरू करते हैं फार्मर सर्विस सोसाइटी का ये वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि फार्मर सर्विस सोसाइटीज होती क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि फार्मर सर्विस सोसाइटीज कोऑपरेटिव्स लाइंस पे बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसानों के लिए काम करता है। स्पेशली फार्मर सर्विस सोसाइटीज वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल एरियाज इन द कंट्री। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम कह सकते हैं, मेनली हम इंक्लूड करते हैं स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स के अलावा रूरल आर्टिसंस भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसको हम वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बोल के चलते हैं। और ये जो फार्मर सर्विस सोसाइटीज होती हैं, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है और रजिस्टर्ड बॉडीज होती हैं जो फंक्शन करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसका सबसे पहले जो आइडिया था, जो फॉर्मेशन ऑफ फार्मर सर्विस सोसाइटीज का, 1970 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने इसको रेकमेंड किया। उन्होंने ये आइडिया दिया कि इस तरह की कोई सोसाइटीज होनी चाहिए जो डेडिकेटली जो है किसानों के लिए, या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए काम करे। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NCA मीन्स नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, फार्मर्स सर्विस सोसाइटी वर ऑर्गेनाइज्ड इन 1971 टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड क्रेडिट सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल एरियाज। ये रूरल एरियाज के जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको इंटीग्रेटेड क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसको शुरुआत की गई थी। इंटीग्रेटेड क्रेडिट सर्विस का मतलब किसी भी प्रकार का क्रेडिट की जरूरत हो उनको तो ये पर्टिकुलर सोसाइटी उनको प्रोवाइड करवाएगी। और यहाँ पर वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल एरियाज का मतलब होता है फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स और रूरल आर्टिसंस होते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमको क्लियर हो गया कि ये क्यों बनी और कब बना। ये 1971 में बना और जो इंटीग्रेटेड क्रेडिट सर्विसेज उसको प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। तो इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं? मेजर फंक्शंस है कि टू सप्लाई ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट, मतलब किसी प्रकार का लोन हो वो ही प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो स्मॉल टर्म लोन हो, मीडियम टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, ये प्रोवाइड करवाता है किसको? वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल एरियाज को। और वो कौन है? हमने अभी डिस्कस किया था, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबरर एंड रूरल आर्टिसंस। तो उसके अलावा इसका जो दूसरा फंक्शन है वो है टू प्रोवाइड एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट्स एंड टेक्निकल गाइडेंस फॉर डेवलपमेंट। लोन के अलावा ये जो है टेक्निकल गाइडेंस, टेक्निकल नॉलेज भी प्रोवाइड करवाता है और जो फार्म इनपुट्स है उसकी भी सप्लाई करता है। इसके अलावा ये एनकरेज करता है डेयरी को, पोल्ट्री को, फिशरीज को, फार्म फॉरेस्ट्री को और अदर जो सब्सिडरी ऑक्यूपेशन है रूरल एरियाज में, उसको ये इंक्रीज करता है, बढ़ावा देता है, मतलब उसके लिए फाइनेंस फैसिलिटी देता है, टेक्निकल गाइडेंस भी देता है। इसके अलावा क्या करता है? टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द इंप्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर मार्केट। जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल एरियाज है, किसान जो छोटे किसान है उनको एग्रीकल्चर मार्केट भी प्रोवाइड करवाता है, उनके फार्म इनपुट्स कहाँ से खरीदना हो उसको मतलब रीजनेबल रेट पर अवेलेबल करवाता है। उसके अलावा जो फार्म प्रोड्यूस है उसको बेचने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये एग्रीकल्चर मार्केट्स को इम्प्रूव करता फार्मर्स के लिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? टू मोबिलाइज द डिपॉजिट एंड स्मॉल सेविंग्स फ्रॉम द वीकर सेक्शन
बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। कहने का मतलब क्या है कि उनके बैंक अकाउंट खोलता है, उसमें उसके जो डिपॉजिट होता है, पैसा जमा कराना है, पैसा निकालना है, या कोई छोटी छोटी बचत करना है, वो सारी चीजों को इनक्रेज करता है। उनको कुछ इंसेंटिव दे के कुछ परसेंटेज ब्याज ज्यादा देता है, लोन पे कुछ कम ब्याज लेता है, इस तरीके से उनको जो है सपोर्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ FSS। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी अदर हैं जो हम इसके बारे में, इसके मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली जो इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है वो होता है SFDA एंड MFAL डिस्ट्रिक्ट होता है, जो स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज होता है या मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है। ठीक है, ज्यादातर जो है ये इसका जो स्पॉन्सरशिप है वो होता है लीड बैंक के पास, जो डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक होता है वो ही इसको स्पॉन्सरशिप करता है, मतलब इसके मैनेजमेंट में वही बड़ा रोल प्ले करता है, इसका एक शेयर कैपिटल का ज्यादा पोर्शन वो लेता है, तो वही इसको मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें 13 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, उसमें से जो है लीड बैंक का जो होता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो डिप्यूट करता है। उसके अलावा 5 मेंबर जो है इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स हो सकते हैं, मिडिल मार्जिनल फार्मर्स हो सकते हैं, या जो है लार्ज फार्मर भी हो सकते हैं। 4 मेंबर जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, डिफरेंट बैंक्स के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो सकता है, ये सब लोग मिलकर इसको रन करवाते हैं। तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया कि फार्मर सर्विस सोसाइटी जो है रूरल एरियाज के जो स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, उनके लिए इंटीग्रेटेड क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए काम करता हो। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा और इसको स्टार्ट किया इन 1971 में। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके मेजर फंक्शंस क्या है, SFDA क्या होता है, MFL क्या होता है, FSS क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू गाइज बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा, नॉलेजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों का शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।